उिला नूर देखो मेरा बायो बैनरा देखो कितना खूबसूरत नजाना है कितना अच्छा हवा है प्योर हवा मिल रहा है मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है प्योर ये दवा मिल रहा है मुझे अब मैं इधर बाहर बैठा है मैं कल भी बोला था सुबह का हवा नूर होता है सुबह का हवा में नूर मिक्स होता है दवा होता है इसमें कोई खतरा नहीं होता है सुबह का हवा प्योर ऑक्सीजन होता है इसमें सुबह का हवा मतलब प्योर ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन हम लोग डॉक्टर लोग सिलेंडर से देता है ना उससे भी प्योर होता है इसमें ये क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फोरीमा अमाउंट बहुत कमती होता है और मुनाफिक और काफिर का सांस का नहीं मिक्स होता है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है फिर से का ऑक्सीजन फिर दर्द चीज का ऑक्सीजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए एक ही ज़रिया तरीका है सेज़ार, दर्द टीस गैस इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है ऑक्सीजन प्रोडक्शन होने के लिए दुनिया में तो इसलिए मेरा मशवरा ये है आप लोग ज़्यादा ज़्यादा घास लगाओ एक आदमी कम से कम तीन 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 करके के घास लगाओ उससे ज़्यादा लगाए तो बहुत बेटर है I want आई for everybody. एवरी oil. यू ओइलो आप लोग एक आदमी कम से कम तीन फीस करके गैस लगाओ लगाना पड़ेगा आपने खुद के लिए दूसरों के लिए नहीं है ये आपने खुद के लिए आप जो ऑक्सीजन ले रहा है ना सांस ले रहा है ना ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन किस से किधर से लेगा यह आप यह हॉक है आप दूसरा का हॉक क्यों खाएगा मैं घास लगाया दस पीस उसका ऑक्सीजन आते आप क्यों लेगा अगर मेरा अल्लाह साए तो बस ये जो तुमने दुनिया में जो ऑक्सीजन लिया ना उसका हक अदा करो मेरे अदा करके जाओ जिधर जानत में जाओ आम लोग ना नाजो ले दे ये भी नहीं दे सकता ये हक भी अदा नहीं कर सकता मेरा अल्लाह का अल्लाह अल्लाह सुबहानल्लाबहनुल्ल अल्लाह अल्ला। तो मैं, मेरे मशवरा ये है तुम लोग अभी दु, अभी पूरा दुनिया में अभी टेम्परेचर जैसे बढ़ते जा रहा है मैं जा, मैं जब फायदा हुआ तब से आज से तकरीबन पच्चीस साल पहले के बात कर रहा है तब भी मेरा बांग्लादेश का टेम्परेचर कितना था आप लोगों को मालूम है बांग्लादेश का टेम्परेचर तकरीबन बीस से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इसके बीच में था अभी कितना हो गया तीस साल फर्क है अरे तीस साल का बीच अभी कितना हो गया अभी कितना हो गया तकरीबन 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 फ्राइ फौसिस बसर पूर्व फ्राइव फौसिस ठीक है मैं उर्दू में बताता हूँ तकरीबन पौस साल पहले है का टेम्परेचर था बीस से बीस से और पच्चीस का बीस बीस से पच्चीस का बीस में था मतलब ठीक है मैं अभी हिसाब करता पच्चीस साल पहले बनारस का टेम्परेचर था बीस सेल्सियस बीस डिग्री सेल्सियस अभी पच्चीस साल बाद कितना है तकरीबन चालीस डिग्री कितना ज़्यादा होगा बीस डिग्री तो बीस को पच्चीस से डिवाइडेड करेगा तो कितना हाथ मायने में साल में कम से कम पॉइंट वन पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहा है ये एनवायरनमेंट में इसका वजह क्या है इसके लिए कौन दही है कौन जिम्मेदार है हम इंसान जिम्मेदार है इसके लिए हाईवान ज़िम्मेदार नहीं मेरा अल्लाह जिम्मेदार नहीं बिल्ला हाईवान जिम्मेदार नहीं है इसके लिए सिर्फ इंसान जिम्मेदार है ये हमारा कर्म का फल है ये हमारा कर्म का फल है ऐसा नहीं बोला भाई अल्लाह हमको मुसीबत दे रहा है इतना गर्मी क्यों ये गर्मी क्यों है इतना ज्यादा होते जा रहा है अल्लाह तो लिए इसके लिए हम लोग जिम्मेदार है तुलसा एनवायरमेंट मेयुमन हवा के साथ बस कार्बन डाइऑक्साइड मिस करते जा रहा है मिथेन गैस मिस करते जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्शन लिए जरिया जो जरिया अल्लाह ने दिया घास लगा घास लागानी टी दर्द वो नहीं लगा रहा है एक काटेगा का तो तीन लगाना पड़ता है कम से कम हमारा मुलक तकरीबन बीस एक एडवर्टाइज़ एकवर्टाइजता एक गा तो तीन घास लगाओ हो। क्योंकि अगर तुमने बड़ा एक गैस लगाएगा तो तीन गैस लगा तीन क्या है तीन तो वो भी गलत है तीन गैस लगाएगा तो उसका बैकअप नहीं होगा क्योंकि एक एक ट्रीज कितना किलो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है मालूम है ये मुझे अभी तक हिसाब नहीं किया मैं थोड़ा टाइम गया इसके हिसाब करने के लिए एक टीज एक बड़ा एक दर्द समझा एक नीम का दर्द बड़ा वो तो बीस किलो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रहा है रोज़ लेकिन अगर वो तो, वो तुम तुम काट काट लिया तो उसका बैकअप जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला था वो बैकअप कौन करेगा वो बैकअप तो तुम, तुम नहीं कर सकता है चौदह गोष्टी भी नहीं कर सकता है उसका ऑक्सीजन में तुमने तो काट लिया बस एक एक एक्स लेके एक काट एक लिया तुमने काट दिया उसको काट दिया बस बिना वजह भी काट दिया अब कोई जरूरत भी हो भी काट दिया लेकिन उसका तुमने तो काट दिया बस तुम्हारा क्या है तुमसे बस बिना सोच के काट दिया उससे नीम का दर्द का बड़ा दस साल पुराना बीस साल पुराना दर्द काट दिया तुमने अगर वो वो दर्द हर रोज कम से कम बीस किलो बीस लीटर बीस किलो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला था कहता था अभी उसका ऑक्सीजन जो को, को, जो तुम जो सांस ले रहा है ना रोज कितना किलो एक 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 आदमी एक दिन जितना किलो ऑक्सीजन लेता है ना ये एनवायरनमेंट से अगर उसका हिसाब मांगे तो दुनिया में ऐसा कोई अमीर लोग फायदा नहीं हुआ वो तो इसका फायदा फेट कर सकता है दफ़ा कर सकता है नहीं है पूरा ज़िंदगी का एक दिन एक साल का कर सकता है पूरा ज़िंदगी का नहीं कर सकता है किसी किसी मूल्य का शेख भी नहीं है ये पैसा फेट कर सकता है, ह... táh, है। जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो लोग एक मिनट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए तो मिनट के हिसाब से फैसला लेता है मिनट का हिसाब से फैसला लेता है अगर वो हिसाब से फैसला ले मेरा अल्लाह फैसला मांगेगा तो खलास है तुम तो गया जहानत का बदबू भी नहीं सकता है अतर भी नहीं सूंघ सकता है जानत तो बहुत दूर के बाद है अगर इससे इसके हिसाब लेगा तो मेरा अल्लाह ने नाव अल्लाह महा सिबनी हिजाब अल्लाह महा सिबनी हिजबीर हासिबनी सिबन हिजाब जाहक मैं जो बोलना चाहता हूँ तुम लोग दुनिया में जितना आदमी है अभी एनवायरनमेंट अभी अभी जो हिसाब से अभी सोचो हर साल में कम से कम एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है एनवायरनमेंट। में इधर भी है ऐसा है इधर ओमान में अभी टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री तक हो जाता है कुत्त में सऊदी में सिक्सटी फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी नहीं जाता है अभी फिफ्टी फाइव डिग्री तक हो जाता है पहले ऐसा नहीं था इधर भी कम बहुत कमती था पहले फैल ज़्यादा था हमारा मुल्क में जहाँ पर बांग्लादेश में बीस डिग्री था इधर फौसठ डिग्री तीस डिग्री था अभी बांग्लादेश में सोलिस डिग्री तक आ गया टेम्परेचर पूरा गर्मी में मौसम में इधर सिक्सटी डिग्री फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री तक आ गया कभी कभी सिक्सटी डिग्री तक हो जाता है अब तो तकरीबन दो तीन साल फैले दो साल पहले कुवत में शेजर का दर्द था ना उसमें आग लग गया इतना गर्मी था एक सूखा हुआ दर्द था उसमें आग लग गया

इसीलिए मेरा मशुआरा है सबके लिए मेरे लिए भी है आप लोग घंटे में कम से कम पांच मिनिमम पांच बार पांच बार और साइड पांच बार कमती हो जाता है पा, हर पांच मिनट पे एक बार होता है तो मिनिमम बारह बार आप लोग घंटे में कम से कम बारह बार बारह बार, बार ये पढ़ते रहो जो मेरा अल्लाह ने हम लोगों को सिखाया है स्वतंत्र बांसने के लिए जो हथियार दिया उस बिल्कुल आउजब अनुरता अबिल्ला ये पढ़ते रहना अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए पूरा जिंदगी में अगर आप चाहो तो ईमान के साथ दुनिया से विदा हो जाए होने के लिए ईमान से ईमान के साथ कब अल्लाह के पास जाने के लिए ये पढ़ते रहना अभी से पढ़ते रहना अभी अभी से काल से नहीं थोड़ा देर बाद में से बात बाद से नहीं अभी से पढ़ते रहना ये शुरू करो अब जो मेरा जो मेरा भाई बहन ये सुना जब से सुना तब से शुरू करो पढ़ते रहना पढ़ते शुरू करो पढ़ते रहना अल्लाह मुझे भी हिम्मत दो पढ़ने के, के, के लिए मुझे भी ताकत दो पढ़ने के लिए हमेशा हमेशा मुझे बुला नहीं बुला दो अगर किसी ने किसी शख्स को किसी इंसान को उसको मांगता है उसको चाहे चाह, तो वो ईमान के साथ मेरा अल्लाह की बस जाने के लिए ये पट लाजिम पढ़ना पर, पड़ेगा क्योंकि हम लोग मैं अपना ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते मैं मुझे अभी आज जा, आजामद नहीं मिला मैंने तो रात को नियत किया सोना के पहले मुझे जमात जा, में नमाज़ पढ़ना है फजर का नाम लेकिन जमात नहीं मिला क्यों नहीं मिला शैतान जब मैं सो गया था शैतान मैं सोने के बाद जैसे मुर्दे को तीन बार गिटे लगाता है ना रूसी लगाता है ना ऐसे शैतान भी तीन रूसी लगा देता है तो मेरा सब रोसी नहीं खुला था दो रो, एक रोसी खुला था फिर शैतान ने फिर दबा लगा दिया था इसीलिए जमात मुझे नहीं मिला मेरा थोड़ा सा नींद आँख खोलने वाला था तो फिर बोला नमाज का तो और टाइम लगता है ऐसे मैं, क्यों मैंने क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं करता अभी घोड़ी ये दुनिया का घोड़ी इस्तेमाल नहीं करता है मैंने मेरा दिमाग में जो इस्तेमाल घोड़ी मेरा अल्लाह ने सेट किया मैं वो इस्तेमाल करता है हम अभी ऐसे उसके बारे में दूसरा दो तरफ़ा जो मैं 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 शेजार की दर्द के बारे में तो बोला आप लोग ने दुनिया के में जितना इंसान है हर इंसान का कम से कम तीन पीस बहुत कमती होता है दस पीस दस पीस घास से ज्यादा लगाना चाहिए अगर एक काटो तो उसका तीन गुना उसका दस गुना ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर दो दो काटो तो उसका दस गुना लगाना पड़ेगा यह आपका जिम्मेदार जिम्मेदारी है ये आपका आपने काटा की ये अगर किसी जोर जोर जरूरत पूरा करेंगे काटा तो फिर भी आपको लगाना पड़ेगा जरूरत बिना बगैर जरूरत तो काटेगा का तो और आपको और ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन हाँ, मिक्स होने प्रोडक्शन होने के लिए सेजार के अलावा ट्रीज के अलावा दर्द के अलावा और कोई जरिया नहीं है नहीं रखा मेरा अल्लाह ने लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन गैस मिथेन गैस के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं मुझे नज़र भी आता ही है ये जब ज़्यादा धूप होता है ना गर्मी ज़्यादा में ज्यादा गर्मी मुझे नजर नौ, आता है मिथेन गैस मुझे नज़र आता है मिथेन गैस गैस पेट्रोल ऐसा बहुत कुछ मुझे नज़र आता है सुबह अलहमदुल्ला जब ज़्यादा गर्मी में मैं देखता हूँ ना सामने और मुझे नज़र आता है मिथिन गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत खतरा है ये मेरा बात है साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके बोला और मेरा मेरा रिसर्च भी बोल रहा है ये खतरा है क्योंकि खतरा इसके बारे में वीडियो बनाएगा और बोलेगा तो सर मैं बस अभी जो बोला वो सब ज़रूरी है लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया अभी बैठा अभी इधर मैं दूसरे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली तुम तुम्हें नहीं सल्ली इसका मतलब क्या है नमाज ऐसे फोटो जैसे मुझे पढ़ते देखो देखा रसुल का जमाना एक साहबी मस्जिद में आया था एक बेदून साहबी मस्जिद में आया था उसने नमाज़ पढ़ा जल्दी जल्दी में आया नमाज़ पढ़ा नमाज़ पढ़ के को सलाम दिया वालेकुम या रसूल अल्लाह रसूल मेरा रसूल ने बोला तुम्हारा तुम नमाज़ तुम्हारा नमाज तुमने नमाज़ नहीं पढ़ा फिर नमाज़ पढ़ा ओह साओ बेदौन साहबी फिर मेरा रसूल के साथ और बात नहीं किया और ने पूछा बस दोबारा नमाज़ पढ़ा फिर सलाम दिया वालेकुम या रसूल अल्लाह मेरा रसूल ने फिर बोला तुमने नमाज़ नहीं पढ़ा दोबारा फटो फिर पढ़ो तुमने फिर फिर नहीं बोला ये ऐसे ही बोला तुमने नमाज़ नहीं पढ़ा तुम नमाज पढ़ के आओ उस बेद फिर तीसरा दफ़ा नमाज पढ़ा मेरा रसूल ने फिर बोला नमाज तुम तुमने नमाज नहीं पढ़ा फिर नमाज नहीं पढ़ा नमाज़ पढ़ के आओ उस साबी ने रो दिया था उस साहबी ने रो दिया था ये रसुल्ला मुझे इसे भी ज़्यादा बेटर मालूम नहीं आप मुझे सिखा दो कैसे फोड़ना है तो रसुल ने यह बोला सल्ली कमारा है नहीं वसली मतलब नमाज ऐसे ही फोटो जैसे मुँह से फोड़ते देखो देखा तो हम हम लोग तो मेरा रसुल को नहीं देखा मेरा रसुल को साहबी को देखा और जो उम्र फारो रजी अल्लाह तबू को सिद्धी रजिया तस्मान सिद्दीक उस्मान को नहीं जन्नूर रजी अल्लाह त अली अल्लाह तैाली ये सर मेरा इस बड़ा बड़ा साहबी के बाद नाम ले रहा है ये साहबिगन देखा मेरा नासिल को कैसे नमाज पढ़ा तो हम लोग सबिगन को साहबिगन को भी नहीं देखा साबिर गन के बाद ताबिगन है हम लोग ताबी ताबिक ताबिगन को कभी नहीं देखा उसके बाद तोबे ताबि गगन है उसके बाद उसका औलाद गाँव अभी जो बड़ा बड़ा मोहल्लम होता है इसके उन लोगों को देखो उन लोगों को फॉलो करो क्योंकि नमाज़ पूरा ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा लेकिन मेरा रसूल ने जैसे सिखाया जैसे देखे ऐसे नमाज नहीं पढ़ा कि आपका कपाल काला हो गया आपका ये कपाल काला हो गया लेकिन ये फायदा नहीं होगा ये ना, ये नमाज आपको आखिरत में नहीं मिलेगा नमाज बिल्लाम हजर के दिन आपको नहीं मिलेगा ये आपका अमल नमाज उधर नहीं लिखेगा कि आपका आपका नमाज कबूल नहीं हो रहा है ना आपने मेरा रसूल को अनुसार फॉलो नहीं किया हमने अगर मैंने मेरा पूरा ज़िंदगी नमाज पढ़ा लेकिन मेरा रसुल रा, को फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरा रसुल को रसुल ऐसे किया जैसे मेरा अल्लाह ने सिखाया कि मेरा रसुल के साथ अल्लाह के साथ डीरेक्ट कनेक्शन था ना जबिला भी था डीरेक्ट कनेक्शन भी था तो अब क्या फ़ायदा है भाई पूरा जिंदगी आपने नमाज पढ़ा बस मस्जिद में गया पांच वक्त नमाज़ पढ़ा लेकिन मस्जिद में गया ये कितने तकलीफ में गर्मी में धूप में बारिश में मौजूद में गया नमाज़ पढ़ा लेकिन आपका नमाज कबूल नहीं हो रहा भाई ऐसा हो तो क्या होगा भाई हाजिर का दिन भाई तो आप लोग नमाज पढ़ो ऐसे ही पढ़ो जैसे मेरा रसूल को पढ़ते तो दे देखो मेरे जैसे मेरा रसूल ने बोला था सल्ली का मारा है तुम्हें नहीं वो सली तो थोड़ा सा बहुत सोचो भाई पूरा ज़िंदगी नमाज पढ़ा लेकिन ये नमाज नहीं मुनकर ना कि नहीं लिख रहा है आपका अमल अमन नमाने नमाए तो फ़ायदा क्या होगा भाई अकबर हाजर का दिन क्या अफसोस का बेला और कुछ कहे अगर मेरा अल्लाह चाहे तो नाजुल इसके जानना तो जानना में तो दे भेज देगा और ऐसे भी हम तो फाफी बांधा है किसी न किसी उसी के भी ना तो जानना नसीब नहीं होगा मेरा अल्लाह का रहमत के बिना ना हम तो ना जानना नसीब होगा नहीं नसीब नहीं होगा अल्लाह महा हाजनी हिजबः यहानी हिजब यसीरा तो मेरे भाई बहरे ना आप लोग जो लोग नमाज़ पढ़ते है ना उसके लिए उस, उसके लिए मेरा गुजारिश ये है मेरा मशवरा ये है आप लोग फैलें नमाज़ सही तरीके तो में नमाज़ सीखो बड़ा आप लग का आपका आपका आस पास हका कोई बड़ा आलम है तो उसके पास जाओ उससे नमाज़ सीखो फैलो फिर नमाज़ पढ़ो नहीं ना, नमाज़ पढ़ते रहो लेकिन इसके उसके जरिए उसके पास जाओ मशवरा करो कैसे रहना सही तरीके में नमाज़ पढ़ना है और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो लोग ये माशा जी आपको नमाज़ क्यों छोड़ते हैं भाई नमाज तो दुनिया में आप खाना छोड़ दो लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ो भाई कि नमाज़ ऐसा एक फरोज़ आयन है फरोज़ इबादत है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है कोई वजह नहीं है वो छोड़ने का नहीं रखा लेकिन तौरीका अलग अलग है आपका कोई कसूर है तो वसूर है तो तौरीका अलग अलग आसान कर दिया मेरा अल्लाह ने अगर आप मस्जिद में जाने के लिए आप पाए 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 जब मस्जिद में जा सकते हैं अगर कान में अजान सुन सुन सुने गए तो जब अजान देते कान में अजान सुने गए तो मस्जिद में जाने जाने, ने जा, ने जा सकते हैं लाजि मस्जिद में जाना उसके लिए फरोज़ा आए नहीं अगर मस्जिद में नहीं जा नहीं जा सकते घर में फैटो फोड़ो खड़ा हो के अगर खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के फोड़ो भाई बैठ के नहीं हो लेट के फोड़ो लेट के भी नहीं फोड़ने की तकलीफ़ होता है तो आप उंगली के इशारा में फोड़ो आंगली के इशारा में तो तो आँखों के इशारे में आंखों भी नहीं चलता बस आपका सांस चल रहा है आपका दिल में नियत करो वजू करने का पानी नहीं वजू नहीं कर सकता है कोई वजह है उजोर है वजू भी छोड़ दो लेकिन नमाज छोड़ना नहीं चाहिए नमाज नहीं छोड़ सकते तुम ये ऑप्शन नहीं रखा मेरा अल्लाह ने पूरा जिंदगी में जब तक तो तुम्हारा सांस है तुम्हारा ये बॉडी में जब तक सांस है नमाज नहीं छोड़ सकते तुम अभी मैंने जिंदगी में कितने तो वक्त नमाज सो रहा है इसके लिए क्या होगा मुझे पता नहीं भाई अल्लाह महासिफिफ ने हिसाब ये सीरा अल्लाह महासिफ़ ने हिसाब ये नमाज नहीं जुड़ा काजा नहीं करो नमाज नहीं जुड़ा और काजा नहीं करो नमाज काजा करोगे इसके हाशर क्या होगा मुझे पूरा पता नहीं इसीलिए मैं नहीं मैं नहीं, नहीं, नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को ये सोच भी नहीं सकता मैं एक वक्त नमाज काजा हो जाएगा तो इसके लिए क्या होगा अगर अल्लाह मेरा अल्लाह आल सा अल्लाह हाजिब नहीं सब अल्लाजिब नहीं जब मेरा मजा भाई आप लोग नमाज नहीं छोड़ो मेरा रसुल रसुल मेरा रसुल रफात का फ्याल है जब सांस निकलने का तो एक सेकंड मतलब सोचो एक सेकंड पहले मेरा रसुल ने जो बोला था नमाज नहीं छोड़ा या मेरा उम्मत तुम तो लोग नमाज नहीं छोड़ो सलाद सलाद असलाद इसका ये पूरा मुझे मैं भूल गया था इसका मेरा रासन जो बोला था वो हादिस भूल गया मैंने पूरा पूरा याद नहीं आ रहा लेकिन इसका बांगला तजुमा याद है बोला बोला था ये मेरा रसन उस वक्त बोला था ये ये बोला था नमाज नमाज मेरा उम्म तुम लोग नमाज नहीं छोड़ो कभी भी किसी भी हालत में नमाज़ नहीं छोड़ो मेरा रसन उस वक्त मेरा रसुल का जिक्र कॉलेज का टुकड़ा माँ फातिमा के बारे में नहीं बोला फतेम के साथ बात नहीं किया माइशा सिद्धि के राधियों के साथ बात नहीं किया नहीं बोला तुम लोग क्या करोगे रहे? कैसे रहेगा मेरा मैं दुनिया से तो अभी जा रहा है तुम लोग कैसे चला गए ये नहीं ये नहीं सोचा बस अब के बारे में उम्मत का मतलब वो भी आता है ना जब उम्मत के उम्मोत बारे में बोल दिया उम्मत बोल दिया तब तो उसका बीबी भी, भी, भी आ गया बेटा भी आ गया सब कुछ आ गया ना उसमें क्योंकि मेरा राशन को मेरा अल्लाह ने फिर से एक इंसान उसके फैमिली के लिए अहलाबाद के लिए नहीं भेजा था पूरा दुनिया के लिए फॉर ऑल ऑफ यूमन और जीन और ऑफ और फिश और मतलब दुनिया में जितना सृष्टि है मेरा अल्लाह के क्रिएटेड है क्रिएटिंग है सबके लिए भेजा सब किस के लिए भेजा मेरा रसुल का इसीलिए बोलता है बिश्व नबी बोलता है ना मेरा रसुल को बिश्व नबी तो इसीलिए बोलता है ना पूरा दुनिया के लिए इसके आगे जितना नबी रसुल आया था लाख से ऊपर है तकरीबा डेढ़ लाख सवा लाख डेढ़ लाख नबी रसुल आया था वो सबके लिए एक सबको पूरा दुनिया के लिए नहीं भेजा था बाक एक को भेजा था हजरत सलमान स्लम सलमान इब्न याकूब उसको भेजा था फिर से पूरा दुनिया के लिए लेकिन उसको विश्व नबी ने बोला उसको ऐसे उसको मेरा रसूल को जैसा मतबा नहीं दिया उसका मतबा अलग है हर नबी का रसूल का मतबा अलग अलग है मेरा रसूल को पूरा दुनिया के मिला बेला क्या मौत तक जितना इंसान दुनिया में आएगा जितना हिवान दुनिया में आएगा जितना सब उसके लिए मेरा रसूल को भेजा था ये कुरान और रसूल दोनों एक ही है कुरान में कुरान का लैंग्वेज और मेरा रसूल का लैंग्वेज एक ही है अल्लाह का भाषा लैंग्वेज और मेरा रसूल का लैंग्वेज एक ही है कुरान ने जो बोला मेरा रसूल में बस वो करके देखा या कैसे करना पड़ेगा हम लोगों को तालीम देने के किताब में तो लिखा भाई ये एक साइंटिस्ट लोग एक थ्योरी बनाया लेकिन उसने वो दिशा ने बोला ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा बस थ्योरी बना के दे दी भेज दिया बस वो थ्योरी अप्लाई करने के लिए कितना तकलीफ होता है कि जिसने, जिसने कभी एक थ्योरी अप्लाई किया उसको पता चलेगा हम लोग जो जो पढ़ाई करते हैं अंको करता है ना अंको हिसाब का हिसाब का जो किताब है ना तो जिसने क्वेश्चन लिखेगा क्वेश्चन तो, तो लिख दिया उसका आंसर कैसे बनाएगा उसका आंसर कैसे इन आखिर तक जाए करेगा सॉल्व करेगा वो तो सबके लिए सबको पता नहीं है ना उसने तो बस क्वेश्चन लिख दिया क्वेश्चन मैं भी लिख सकता मैं भी लिखिया बहुत, बहुत मैं जब फटा किया मेरे खुद क्वेश्चन बनाया बहुत अकाउंटिंग का ये अंकों का आदि अंकों का वो रहा है ना तो मेरा मशा आप लोग का नमाज ना कभी नहीं छोड़ो काजा तो नहीं करना बिल्कुल अगर काजा हो जाएगा तो फिर नींद में मौसम मुसलमान ओ होता है जो कान में आजान सुन के हाथ में काम है तो काम फेंक देता है काम उसके लिए हराम ये सोचता है ओ उसको मुसलमान बोलता है इसके इसके इनशाला मुसलमान किसको बोलता है मुसलमान क्या होता है इसके बारे में दूसरा और एक वीडियो बनाया गया इनशाला और मा तोफ़ी इला बिल्ला उजबिल्लामिन शाहिदीन शाहिदीन शाहिदीन